नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाबा दुधेश्वर नाथ का मंदिर, जो सेम बैजनाथ धाम के जैसा ही प्रतिष्ठित है और यहाँ पे आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी तरह से आपके बाबा पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा का ये मेन मंदिर है और इसके बगल में हम आपको यहाँ पे दिखा दें तो राधे कृष्ण का मंदिर, जो कि बाबा का मंदिर का पूजा करने के बाद यहाँ पे लोग मंदिर में पूजा करते हैं। और इसी वीडियो के जरिए हम आपको चवना ऋषि का आश्रम भी दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और बाबा का दर्शन कराएंगे, उसके बाद आप लोगों को चवना ऋषि का आश्रम भी दिखाएंगे दोस्तों। तो ये बाबा दुधेश्वरनाथ अब चवना आश्रम देवकुंड धाम का मुख्य द्वार है और यहाँ से हम अब एंट्री करेंगे और लोग श्रद्धालु यहाँ पे बहुत आए हुए हैं, इनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि बाबा का दर्शन कैसे किया जाता है। तो सावन के महीने में जो यहाँ पे भीड़ उत्पन्न होती है तो उसके लिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे ये लगा रखा है और अभी थोड़ी देर में हम आपको बाबा का दर्शन कराएंगे। तो ये बाबा का मेन मंदिर है और यहाँ पे आपको भक्तजन पूजा करते हुए दिख रहे होंगे और यहाँ पे जो भी आप माहौल देख रहे हैं ना कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो सावन के महीने में यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अगर अभी फ्री बैठे हैं तो यहाँ बाबा दुधेश्वरनाथ का आके दर्शन कर सकते हैं और सेम ऐसा ही आपको जो बाबा बैजनाथ धाम का मन्नत मांगने से कृपाएं पूरी होती हैं, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही जो भी आप मन्नत मांगते हैं तो बाबा दुधेश्वरनाथ उसको जरूर पूरा करते हैं और बैजनाथ धाम की तरह ही है ये मंदिर। मेन मंदिर के बगल में ही एक राधा कृष्ण जी के मंदिर का स्थापना किया गया है, तो लोगों को बताया जाता है कि लोग यहाँ मेन मंदिर से पूजा करने के बाद और राधा कृष्ण के मंदिर में भी पूजा करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं चवना ऋषि के आश्रम में और यहाँ के आपका नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे क्या क्या है चवना ऋषि के आश्रम में। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से घूमने आ रखे हैं तो देखते हैं चवना ऋषि के आश्रम में क्या क्या यहाँ पे है। तो अभी हम आ गए हैं चवना ऋषि के आश्रम में और ये चवना ऋषि की प्रतिमा है और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हवन कुंड है ये परमानेंट प्रज्वलित होते रहता है और यहाँ का तापमान भी कुछ लोग देख रहे हैं ये परमानेंट गर्म रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आग प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही इसमें धूप या बत्ती डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो जलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक धेनु गाय भी है तो वो गाय भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये चवन ऋषि का आसन है जिसके ऊपर चवन ऋषि विश्राम करते थे और आज भी इस आसन के ऊपर बाबा का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे जो चवन ऋषि का भोग है देख रहे होंगे यहाँ पे वस्तुएं रखी हुई हैं भोग लगाने वाली, जिसमें तुलसी फूल माला सारा चीज रखा गया है और चवन ऋषि का आज भी इस बिस्तरे के ऊपर भोग लगता है और ऐसा बताया जाता है कि चवन ऋषि आज भी इस बिस्तरे पे विश्राम करते हैं। इसी चवन ऋषि के आश्रम में कई ज्योतिर्लिंग भी हैं जिसका आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग कई सालों वर्षों पुराना है जिसकी हम व्याख्या आपसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा पुराना है, बट बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे तो इनके भी आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये आश्रम जो है पहले पुराना कुछ ऐसा दिखता था, तो अभी जो चवन ऋषि का आश्रम है वो धीरे धीरे रिनोवेट किया जा रहा है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये हमारे धरोहर हैं और रिनोवेशन लगते रहना चाहिए और होते रहना चाहिए। चवना ऋषि आश्रम का एक गौशाला है और आप देख सकते हैं कि ये नंदी हैं चवना ऋषि आश्रम में, और नंदी हैं तो बिल्कुल नंदी हैं, कोई मारती मूर्ति नहीं है किसी को। और ये गौशाला है पूरा, यहाँ पे भव्य व्यवस्था इनके लिए किया गया है खाने पीने का और रहने का। गाय को ऐसे भी माता कहा जाता है दोस्तों, तो माता का दर्जा दिया गया है। और ये वही हमारी गाय हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी लग रही हैं कि अभी इनका मूड ठीक नहीं है, तो ये मारने के मूड में है अभी, नहीं तो हम दिखाते कि ये धेनु गाय किस तरह से दूध देती हैं। और ये दोस्त अभी तक बच्चा नहीं दी है फिर भी दूध देती हैं। तो ये चवना ऋषि के आश्रम की गौशाला है जिसके अंदर हम आए हुए हैं। ये नंदी हैं दोस्तों, किसी को मारती नहीं है, देखिए कितने प्यार से इनके साथ खेला जा रहा है और ये कुछ कर नहीं रही है, बहुत ही अच्छा व्यवहार। बने रहिए इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।